क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप दूध गर्म करते हैं तो दूध फट जाता है और आप उस फटे हुए दूध को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। हम इस फटे हुए दूध से बनाएंगे इतनी जबरदस्त रसमलाई। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम ये रसमलाई बनकर तैयार होती है, तो देर किस बात की। चलिए ये जबरदस्त रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे आधा लीटर दूध और गैस का फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम पर दूध में उबाल आने देंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने 4 से 5 काजू और 4 से 5 बादाम को एकदम बारीक कट करके इसमें डाला है। इसी के साथ मैंने डाला है कुछ केसर के धागे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर आ जाता है रसमलाई में। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच शक्कर और गैस का फ्लेम हाई रखिए। हाई फ्लेम पर इसे 7 से 8 मिनट तक उबाल आने दें और इसे हमें कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है। और कढ़ाई में जो साइड साइड में मलाई आ रही है, इसे भी हम इस दूध पे मिलाते जाएंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं दूध का कलर बिल्कुल भी चेंज हो गया है, सिर्फ केसर के धागे डालने की वजह से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अगर आपके पास केसर के धागे ना हो तो आप येलो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे पकाया है और हमारा दूध भी अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने 1 लीटर दूध को गर्म करने के लिए रखा था और दूध हमारा फट गया है। अगर दूध फटा ना हो तो आप उसमें विनेगर डाल के भी फाड़ सकते हैं, लेकिन दूध ज़्यादा टाइम रखने की वजह से और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इस वजह से दूध फट गया है। तो अब सबसे पहले हम इसे छान लेंगे। तो मैं एक छन्नी के ऊपर एक कॉटन का रुमाल रख रही हूँ ताकि हमारा छेना और पानी दोनों भी अलग हो जाए। आप कभी भी इसे छाने तो रुमाल रख कर ही छानना। कॉटन का कपड़ा रख के छानने से क्या होता है, पानी अलग हो जाता है और सारा छेना साइड में हो जाता है। अगर आप छन्नी से छानेंगे तो छेना उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि नीचे चला जाता है। तो इसका पानी निकालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से धुलेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। छेने में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके छेने में पानी होगा तो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ कि छेना आपका रसमलाई बनाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ी मेहनत करना और इसका सारा पानी निकाल देना, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसका सारा पानी निकालने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और आपको दिख रहा होगा कि इसमें मोटे मोटे दाने हैं, तो हम इसे अपनी हाथ की ये जो पाम है इसकी मदद से ऐसे मस लेंगे। इसे हमें जितना ज़्यादा मस लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी रसमलाई सॉफ्ट बनेगी। तो 7 से 8 मिनट तक इसे मसलना है ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पूरे ये डो को उठाएंगे तो पूरा वो एक शेप में उठेगा, पूरा एक दूसरे में चिपक के उठेगा, लगेगा नहीं। तो समझिएगा आपका डो एकदम परफेक्ट है। और अगर वो टुकड़ों टुकड़ों में गिर जाता है तो समझिए इसमें और आपको मसलना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा डो तैयार है। अब इसके हम छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार करेंगे। एकदम हल्के हाथों से इसके गोले बनाना, और अगर आप ज़्यादा प्रेशर से इसे बनाएंगे तो इसमें क्रैक आ जाएगा। फिर हम इसे दोनों हाथ की मदद से थोड़ा सा चिपटा कर देंगे, और अगर इसमें क्रैक आ जाए तो समझिए आपका डो परफेक्ट नहीं है, इसमें और आपको मसलना पड़ेगा। तो इसी तरह हम अपने सारे छेने को बनाकर तैयार करेंगे। आप इसमें क्रैक देख रहे हैं, ये क्रैक की वजह से क्या हुआ मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। इसे हमें एक कॉटन कपड़े से ढककर रख देना है ताकि ये सॉफ्ट बना रहे, हार्ड ना पड़े। तो दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में डालेंगे आधी कटोरी चीनी, और इसी कटोरी से मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कटोरी पानी, और गैस का फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने देंगे, और जब इसमें उबाल आने लगे, चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, तो हम इसमें छेने को डाल देंगे। तो इस स्टेज पे बहुत लोगों की शिकायत आती है कि जब इसमें छेने डालते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाता है। तो सबसे पहला रीज़न ये कि अगर आपके छेने में क्रैक है तो वो घुल जाएगा और फट जाएगा, 2 टुकड़ों में भी हो जाएगा। और क्रैक इस वजह से होता है कि आपने पानी अच्छे से निकाला नहीं है या फिर आपने उसे अच्छे से रब नहीं किया है, मसला नहीं। तो मैंने गैस का फ्लेम हाई करके इसे 10 मिनट के लिए ढककर रखा था और ये पक गया है। ये देखिए जब आप इसे निकालेंगे, हाथ से टच करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं रहेगा, थोड़ा हार्ड हो गया रहेगा। तो समझिए आपके छेने एकदम परफेक्ट हैं। इसे निकाल कर एकदम नॉर्मल पानी में हम डाल देंगे। मेरे छेनों में भी थोड़ा सा क्रैक था, इस वजह से थोड़े थोड़े वो नीचे से साइड से निकल गए हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत रब किया था, बहुत मसला था। तो अब मैं इसे पानी में से निकालूंगी और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब हम इसे निचोड़ देंगे ताकि जब हम इसे मलाई में डालें तो ये मलाई अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। तो इसी तरह हम अपने सारे छेनों में से पानी रिड्यूस करके इसमें डाल देंगे। तो हम इसे साइड
पे रख देंगे एक घंटे के लिए ताकि ये मलाई अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। लेकिन मुझे पता है मैं जब इसे एक घंटे के लिए रखूंगी तो मुझे खाली डब्बा ही मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखने में बहुत ही टेस्टी है और खाने में बहुत ही लजीज है, मुँह में जाते साथ ही घुल जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं तो अब दूध के फटने का इंतज़ार करती हूँ कि कब दूध फटे और कब मैं रसमलाई बनाऊँ। मेरे घर में बच्चों को बहुत ही पसंद आई, तो आप भी फटे हुए दूध को बिल्कुल भी मत फेंकना, ये रसमलाई बनाना। बनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।